न्यूज 11 देख रहे हैं आप। अगली खबर सवाई माधोपुर से, मोगिया छात्रावास से चार बच्चों के गायब होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने जिला कलेक्टर से बच्चों को बरामद करने की गुहार लगाई है। मोगिया छात्रावास जिला कलेक्टर के सीमेंट फैक्ट्री इलाके में एक एनजीओ की देखरेख में चलता है। सरकारी अनुदान से चलने वाले 52 बच्चों के लिए बने छात्रावास में खाने से लेकर पढ़ाई तक की सुविधा है। वहीं छात्रावास संचालक पीड़ित माँ बाप का आपसी झगड़ा होने की बात कह रहा है। सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जांच करवाई जा रही है, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। राजसमंद की रेल मगरा पंचायत समिति की पूर्व प्रधान रेखा अहिर की मौत का पर हंगामा हो गया है। पोस्टमार्टम को लेकर 7 घंटे तक पुलिस और परिजनों के बीच बहस होती रही। कई लोग पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते थे, वहीं पुलिस पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपना चाहती थी। हालात को देखते हुए 4 थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है। राजसमंद के SDM भी मौके पर पहुंचे। परिजनों का कहना है कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता रेखा को मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे, वहीं पुलिस बार बार पूछताछ के लिए घर आ रही थी, जिसकी वजह से दबाव में रेखा को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि पूर्व प्रधान रेखा अहिर का पति लेरूलाल कांग्रेस पदाधिकारियों पर जानलेवा हमले के मामले में फरार था। खबर उदयपुर से, उदयपुर के प्रताप नगर में एक युवक की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर में शराब पीते समय कहासुनी हुई, जिसके बाद जितेंद्र के साथ मौजूद युवक ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। निर्मम तरीके से किए गए हमले से जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर प्रताप नगर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को जितेंद्र की का शव वहां पर मिला। जितेंद्र के पिता ने पुलिस को कुछ युवकों पर शक जताते हुए उनके नाम बताए हैं, जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। बहरोड के शाहजहांपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऊंटों से भरा ट्रक पकड़ा है, साथ ही पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। NH-8 पर पुलिस गाड़ियों की सघन तलाशी ले रही थी, तभी उसने एक ट्रक को चेक किया तो उसमें 15 ऊंट थे। तीनों गिरफ्तार युवक हरियाणा के मेवात के रहने वाले हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ में जी राजस्थान न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। हमने राजकीय अंबेडकर बालक छात्रावास से जुड़ी खबर दिखाई थी। बच्चों का आरोप है कि सरकार से मिलने वाले फंड में भी घोटाला किया जा रहा है। बच्चों को सस्ते कपड़े जूते पहनाए जा रहे हैं, इसके अलावा दूध में 95% पानी होता है। ऐसे में एक एक कर बच्चे बीमार पड़ते जा रहे हैं। फिलहाल अभी 12 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। खबर दिखाने का असर यह हुआ कि जनजातीय विकास मंत्री नंदलाल मीणा खुद राजकीय अंबेडकर बालक छात्रावास पहुंचे। मंत्री ने जब हॉस्टल की हालत देखी तो अधिकारी और वार्डन पर बेहद खफा हुए। राजस्थान सरकार इन गरीब लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के जनता के लिए ये व्यवस्थाएं की है, जिनके साथ सैकड़ों बरस तक शोषण हुआ है। ये शोषण के ठेकेदार फिर आके बैठ गए। ऑडिट करेंगे किसने क्या किया है, राशन स्केल निर्धारित है उसके हिसाब से कितना मिलना चाहिए, कितना दिया गया, कौन खा गया, उसमें फर्जी बिल किससे बनवाए, ये सारी जानकारी हो जाएगी। तो मंत्री साहब ऑडिट की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बांसवाड़ा से खबर है, मासूम के साथ अंधविश्वास का खेल यहां पर खेला गया। बीमारी के उपचार के लिए वहां पर बताया भोपे ने, और भोपे ने मासूम के शरीर पर गर्म सरिये से उस बच्ची को दागा बीमारी के इलाज के नाम पर, और सिर पर, पेट पर, दोनों हाथों और पैरों में गर्म सरियों के निशान है। 4 साल के मासूम की हालत नाजुक बनी हुई है। MG चिकित्सालय के शिशु वार्ड में इस बच्चे को भर्ती कराया गया है। दानपुर क्षेत्र के उबापण गांव की यह घटना है। परिवार के सदस्य ही ले गए थे भूपे के पास, और हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं अजय ओझा। अजय, एक बार फिर से अंधविश्वास का मामला, बांसवाड़ा में 4 साल का बच्चा शिकार हुआ है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये बांसवाड़ा जिला आदिवासी अंचल कहा जाता है,
यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में अंधविश्वास पर ज्यादा विश्वास किया जाता है। इस बच्चे को तान की बीमारी थी जिस पर परिवार वाले इसको चिकित्सालय नहीं ले गए। यहाँ पर एक दानपुर क्षेत्र में भोपा था वहां पर दिखाने ले गए, जहां पर भोपे ने गर्म सलियों से उसके सर पर, पैर पर, दोनों हाथों पर, पेट पर गर्म सलिये से दाग दिया और उसको कहा कि अब ये ठीक हो जाएगा। परिवार वाले अजय क्या इस मामले की पुलिस में शिकायत की गई है? ना, अभी तक पुलिस में कोई शिकायत नहीं हुई है क्योंकि परिवार वाले खुद ले गए थे। बच्चे की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तब वो शहर के एमजी चिकित्सालय में लाए हैं। जी शुक्रिया अजय। सवाल यह है कि जब परिवार वाले ही, परिजन ही इस तरह के अंधविश्वास में भरोसा करेंगे तो बच्चों को इस निर्दयता से आखिर कौन बचाएगा? खबर कोटा से, पढ़ाई का तनाव बच्चों पर इस कदर हावी है कि कम नंबर आने पर परिवार की डांट न पड़ जाए, उससे बचने के लिए सिक्स क्लास के बच्चे ने, 13 साल के बच्चे ने खुद अपने अपहरण की झूठी कहानी रची। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। पढ़ाई में फिसड्डी बच्चे की करतूत, छोटे से बच्चे ने मचाया हड़कंप, खुद के अपहरण की बनाई झूठी कहानी, घर में डांट से बचने के लिए किया ड्रामा। हम आपको पूरा मामला बताएं, उससे पहले जरा इस बच्चे की बात पर गौर कीजिए। मैं कोटा बाल विद्या मंदिर स्कूल में आ रहा था, जो है ना 13 वो थे वैन में, उन्होंने उठा के लिए मेरे को वहाँ पे छोड़ दिया, उतर के भाग के आ गया मैं। कौन लोग थे? हाँ, 3 लोग थे, ब्लैक कपड़े पहन रखे थे उनने। तो इस बच्चे के मुताबिक इसके अपहरण की कोशिश की गयी और ये बड़ी मुश्किल से किडनैपर्स के चंगुल से निकलकर भागा है। छठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के मुंह से ये सुनते ही पुलिस में हड़कंप मच गया, ताबड़तोड़ नाकेबंदी और छानबीन शुरू हो गई। मामला बच्चा है, बता रहा है कि सामने के कोई बसंतियार जिसका निवास है वहाँ से 3 आदमी लेके आ गए, इसके कारण इतना इसमें बताइए, अब इसकी तस्दीक करें। सर बता रहा है 3 लोग थे और ऊपर कपड़ा बांध करके वैन के अंदर लेकर गए थे कुछ। हाँ, वैन के लिए बता रहा, वैन बेटा के घर के लिए। स्कूल में खुली बच्चे की पोल, 20 में से मिले थे 0 नंबर। बच्चे ने झूठी कहानी से उठाया पर्दा, पढ़ाई का दबाव हावी होने की कही बात। जब पुलिस बच्चे के स्कूल पहुंची तो मामला एकदम से उलट हो गया। जरा इस कॉपी को देखिए, इसमें संदीप को 20 में से 0 नंबर मिला है और इसी 0 नंबर आने की डांट से बचने के लिए उसने ये पूरी कहानी तैयार की थी, लेकिन सच्चाई सामने आ ही गई। वो बच्चे एक्चुअली में तो क्या सामने खड़ा था, उसने आगे कहा कि भैया पानी पीना है, मैंने पी ले। अब वो उसके क्या कोटा बाल का देखा तो मैंने, माला फाटक वाला स्कूल है तो मैंने सोचा कि वहाँ से गोद लगा रहा है ये बच्चा, तो मैंने उसको डांट के पूछा मैंने कि तू गोद क्यों लगा रहा है, तो उसने ये कहा कि भैया 3 आदमी मेरा अपहरण कर, मेरे को उठा के ले गए वेन में और मैं पुलियापे से, बोरगेड़ा पुलियापे से भाग के आ रहा हूँ। इसे टीवी पर दिखाए जाने वाली घटनाओं का असर कहें या पढ़ाई का बढ़ता दबाव कि बच्चे इस तरह की हरकत को अंजाम दे जाते हैं, या फिर परिवार भी जिम्मेदार है जो बच्चों को कम नंबर आने पर डांटते हैं और उसमें डर पैदा करते हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसी घटनाएं ना हो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। इस बुलेटिन में ही बने रहिए हमारे साथ। प्लान्स तो बहुत है बट हाउ डू आई सक्सीड? MBA तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो,